ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण और आज की इस नई वीडियो में हम करने वाले हैं गाइस मैजिकल ट्रेन वायरल रील एडिटिंग। सो गाइस, इस वीडियो में गाइस मैं आप सभी को समझाऊंगा कि गाइस आपको शूट कैसे करना है और एडिट कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना। एंड गाइस, ये जो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी तो इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको एक वीडियो इस टाइप की क्लिक करवा लेनी जहां पे आपकी ट्रेन चल रही होगी और ट्रेन बिल्कुल खाली होगी। एंड तीसरी वीडियो जो होगी गाइस, जिसमें आपके एक स्नैप कर रहे होंगे और आप वहां पे ट्रेन खड़ी होगी। ठीक है, तो अब आप सभी को वहां पे करना है क्या, एडिटिंग के प्रोसेस में आपको सिंपली पहले जो है मतलब क्या जहां पे मतलब कि आप स्नैप करोगे वहां का आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, ताकि ताकि मतलब उसकी ट्रेन की जो है हमें यहाँ पे PNG बनानी है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से जो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट को लेकर चलेंगे हम पिक्सआर्ट में। पिक्सआर्ट में जाने के बाद पहले हम इसको क्रॉप कर लेंगे। ठीक है, वीडियो के साइज के अकॉर्डिंग। एंड जैसे हम इतना काम कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको कर लेंगे डन। ठीक है, इतना जाने के बाद हम इसको लेकर चलेंगे ड्रॉ टूल में। यहाँ पे गाइस एक ड्रॉ टूल करके एक ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आपको उसमें चले जाना है। एंड वहाँ पे जैसे आप जाओगे आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, पहले गाइस सिंपली जाकर आपको पहले अपनी लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। एंड लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इरेजर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको शेप वाले ऑप्शन में जाना है। एंड यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल वाला शेप ले लेना है। एंड इसको फिल कर देना है। फिर उसका डन करना है। एंड उसके बाद आपसे एक शेप ऐसे ड्रॉ करना है। एंड उसके बाद इसको थोड़ा रोटेट कर लेना है। ठीक है, जो आपका ट्रेन है इसके अकॉर्डिंग। देन आपको यहाँ पे जूम करना है। एंड उसके बाद जो यहाँ पे मतलब कि इसको थोड़ा साइज बड़ा करके इस तरीके से। ठीक है, ध्यान से और आराम आराम से करना है गाइस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं। वीडियो हमें अच्छी एडिट करनी है इसलिए हमें टाइम जितना भी लगे उससे कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, आपको ये चीज़ कर लेना है। उसके बाद जैसे आपको जो इसका साइज़ वगैरह इंक्रीज़ कर देना है। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे डन कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मतलब यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेन का PNG पूरा बनाना है कंप्लीट। ठीक है, तो मैं इसे फटाफट बनाता हूँ। ओके गाइस, हमारा इतना काम हो चुका है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे जल्दी से 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और उसके यहाँ पे हम सेव कर लेंगे। अब गाइस इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पे VN एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद पहले आपको अपनी पहली वीडियो को ऐड करना है, जिसमें गाइस आपको पहली वीडियो वाली ऐड करनी है जिसमें गाइस वहाँ पे कोई भी नहीं होगा, मतलब कि जो आपने एकदम सिंपल वाली वीडियो जो आपने शूट करी है। ठीक है, आपको सिंपली वहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उनको रेज कर लेना, जैसे कि मैं पे कर लेता हूँ। अब उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ से सिंपली इसका जो मतलब कि जो स्पीड है इसको मैं कम कर लेता हूँ, क्योंकि आज वीडियो जो है काफ़ी छोटी है ये, तो उसको हम कर लेते हैं कम। बाकी जो भी मतलब एक्स्ट्रा पार्ट होगा बाद में हम उसको कट पीट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा इतना काम हो गया यहाँ पे। ठीक है, स्पीड वगैरह मैंने बढ़ा ली है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब गाइस देखिए यहाँ पे हमारी वीडियो तो हो गई। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको सिंपली यहाँ पे ऐड वीडियो पे जाना है। एंड जैसे आप यहाँ से वीडियो पे जाओगे आपको वाली वीडियो ऐड करना है जिसमें गाइस आप स्नैप कर रहे हो। ठीक है, तो हम उसको ऐड कर लेते हैं। अब उसके बाद इसमें आपको करना क्या है गाइस, देखिए पहले तो है जो है आपको इसको ना फिट कर लेना है। ठीक है, मतलब यानी पूरी साइज़ में कर लेना है। तो हम यहाँ पे सिंपली फिट के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे मास्क वाले ऑप्शन में। मास्क वाले ऑप्शन में जाने के बाद हम यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन हम इसको लेंगे। एंड इसको लेने के बाद आपको करना क्या है गाइस, आपको सिंपली इस तरीके से जो है आपको इसको रोटेट करना है। यहाँ पे मतलब कि जहाँ तक आपका मॉडल रहेगा वहाँ तक आपको यहाँ पे इसको करके रखना है। ठीक है, इतना कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये हो चुका है। ठीक है, तो मेरे को मतलब कि जो मेरा मॉडल है उसको मेरे को आगे का पार्ट रखना है सिर्फ। ठीक है, तो मैं आगे जितने पीछे वीडियो सबको ट्रिम कर देता हूँ एंड बाकी जो है मैं इसको आगे की तरफ ले जाता हूँ। ओके गाइस, यहाँ तक मेरा हमारा काम हो चुका है। अब इसके बाद गाइस देखिए यहाँ पे करना क्या आपको, मतलब कि यहाँ पे जो है मेरे को मतलब कि मास्किंग ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मतलब जो मतलब मास्क वाले ऑप्शन में जो मैंने वो करा था ना, मतलब कि जो वीडियो को आधी ट्रिम की थी वो मतलब कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मैं इसको आगे की तरफ कर लेता हूँ पहले थोड़ा। ठीक है, अब गाइस आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब मैंने लाइन जो मतलब यहाँ पे ली है गाइस, उसके बाद एक लाइन सी यहाँ पे आ रही होगी। अब उसको रिमूव करने के लिए क्या करना है आप सभी को, आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली मार्क्स वाले ऑप्शन में जाना है। एंड उसके बाद जो आपको साइड में जो दो एरो दिख रहे हैं आपको सिंपली इसको थोड़ा सा आगे की तरफ प्रेस करना है और वो जो लाइन है गायब हो जाएगी, यानी कि स्मूथ हो जाएगा वहाँ से। तो मुझे यहाँ तक रखना है बस वीडियो। ठीक है, मतलब कि ये यहाँ तक। अब मैं मेरे को यहाँ पे ये देखना है कि मैं स्नैप जहाँ पे कर रहा हूँ वहाँ पे मैं ट्रेन का PNG लगाना है। ठीक है, तो वो ट्रेन का PNG आपको लगाना कैसे, आपको सिंपली पहले ये चीज़ नोटिस करनी है कि आप स्नैप कहाँ कर रहे हो। जहाँ पे स्नैप कर रहे हो गाइस वहाँ पे आपको जो है मतलब कि वीडियो को रोकना है। ठीक है, तो मैं एक बार प्ले करके यहाँ पे यहाँ स्नैप हो रहा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मेरे को ट्रेन का PNG ऐड करना है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा, ऐड फोटो वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा, ऐड वीडियो पे जाऊँगा। एंड अभी जो हमने PNG क्रिएट किया था स्टार्टिंग में, हम सिंपली उसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और ऐड कर लेने के बाद हम फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे इसको एंड मास्क वाले ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, नहीं मास्क वाले से पहले हमें इसे फिट करना है, पहले फिट कर लेंगे फिर उसके बाद यहाँ से हम चलेंगे। इसके बाद जो है गाइस आपको यहाँ पे क्रोमा की का ऑप्शन दिख रहा होगा 3rd नंबर पे, आपको सिंपली इसके ऊपर प्रेस करना है। फिर आपको जो PNG आपको ऊपर की तरफ ले जाना है, फिर आपको जो है यहाँ पे वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाना है। फिर उसके बाद आपको प्लस के ऊपर क्लिक कर देना है एक बार, और जो क्रोमा की का जो ऑप्शन है, मतलब क्रोमा की नहीं गाइस ये की वाला पॉइंट, की वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर क्लिक कर देना है एक बारी।
एंड उसके बाद आपको उसको नीचे ला के रख देना एंड उसके बाद वीडियो को प्ले करना है। ये देखिएगा इसे एकदम मतलब एकदम रियल वाला हो गया है, ठीक है। जो मतलब कि फिल्मोरा एप्लीकेशन में हमें कंप्यूटर में करना होता है वो हम फोन में कर रहे हैं VN एप्लीकेशन में, ठीक है। तो अब मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पर हमने स्नैप किया और ये हमारी ट्रेन आ गई यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पे गाइस देखिए हमारा इतना काम हो चुका है, बाकी के एक्स्ट्रा वीडियो जो है वो वेस्ट वीडियो है गाइस, ठीक है। मतलब कि ट्रेन में जाता हुआ अगर सीन में नहीं दिखा सकता हूँ इसमें, क्योंकि वीडियो मेरे पास उतनी नहीं है, तो जितनी हो पाई मैंने कर दिया, बाकी हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। वीडियो हमारी यहीं तक थी, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी चलिए मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।